दिल्ली कूच कर रहे किसानों का प्रदर्शन अंबाला पटियाला बॉर्डर पर उग्र हो गया है। यहां किसानों ने बैरिकेडिंग को उखाड़ फेंका है, जिसके बाद किसानों पर पानी की बौछार की गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। किसानों के प्रदर्शन के कारण मेट्रो को भी बंद कर दिया गया है। आपको बताते चले, दिल्ली में किसान रैली को लेकर किए गए ऐलान पर दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट हो गई है और अपने जिला बॉर्डर पर पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। वहीं दिल्ली में 144 धारा लागू कर दी गई है। तो वही हरियाणा से आने वाले किसानों को रोकने के लिए दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। आपको बताते चले, कल सुबह से ही दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। देर शाम तक भी तमाम थानों से बैरिकेड में मुलाकात दिल्ली के सिंधु बॉर्डर को सील करने की तैयारी की जा रही है। वही आपको बताते चले कि पंजाब, हरियाणा और यूपी से किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, जिनको रोकने के लिए दिल्ली का पुलिस भारी बल यहां पर तैनात किया गया है और इसके साथ ही दिल्ली पुलिस की कई बटालियंस यहां पर मौजूद हैं। सीआरपीएफ को भी तैनात किया गया है। दिल्ली और हरियाणा जाने वाले दोनों मार्गों पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है, ताकि किसान किसी भी तरफ से दिल्ली के अंदर प्रवेश ना कर सकें। किसी प्रकार की पॉलिटिकल गैदरिंग परमिटेड नहीं है, तो इसी को ध्यान इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने ये तो परमिशन जो रिक्वेस्ट थी उसको रिजेक्ट किया। उसके बावजूद कि अगर वो आते हैं तो हमने बॉर्डर्स पे दिल्ली में प्रवेश न कर पाए, उसके सारा इंतज़ाम किया हुआ है। जितने भी बॉर्डर्स हैं वहाँ पर हमारी पूरी तैनाती है और हमें पूरा विश्वास है कि वो अंदर नहीं प्रवेश करेंगे। इस वक्त मौजूद है दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर और यहाँ कल सुबह से ही दिल्ली पुलिस का भारी पुलिस बल तैनात किया गया था और बीती रात से ही लगातार यहाँ बैरिकेडिंग की जा रही थी। आपको दिखा दें कि अब जो है यहाँ पर दिल्ली पुलिस के अलावा सीआरपीएफ को भी तैनात कर दिया गया और दिल्ली पुलिस की कई बटालियन से यहाँ जो है पुलिस को बुलाया गया और तैनाती की गई है, ताकि जो हरियाणा से किसान दिल्ली में आने वाले हैं उनको रोका जा सके। और आपको दिखा दें कि अभी फिलहाल जो हरियाणा से जो ट्रैफिक आ रहा था उसको रोक दिया गया है, ताकि जो आने वाले किसान हैं वो जाम में ही पीछे खड़े रहें, जिसकी वजह से वो दिल्ली ना पहुंच पाए। और ऐसे में यहां पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और साथ ही आपको बता दें कि कुछ ही घंटों में किसान जो है वो दिल्ली की तरफ आने वाले हैं, जिसकी वजह से यहाँ दिल्ली पुलिस का भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। आगे की खबरों के ये देखते रहना, हम आपको फिर से अपडेट दिखाएंगे, क्योंकि लगातार जो है यहाँ पर दिल्ली पुलिस का भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। तो वही हमारी सहयोगी मिताली ने भी यहाँ पर दिल्ली बॉर्डर का जायजा लिया है। क्या कुछ तस्वीरें हैं वो आपको दिखाते हैं। एकदम मौजूद है दिल्ली के जंतर मंतर पर। वहीं अगर हम दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस ने पूरी मुस्तैदी से जो है बैरिकेडिंग लगा रखी है यहाँ पर जो है पुलिसकर्मी। तो किसान आज दिल्ली में कूच कर रहे हैं और इसी को देखते हुए दिल्ली बॉर्डर पर यहां पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। कल से ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। भारी पुलिस बल के साथ साथ सीआरपीएफ की भी तैनाती कर दी गई है सिंधु बॉर्डर पर। यहां पर तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह की कड़ी सुरक्षा की गई है। वही आपको बता दें कि किसानों ने बैरिकेडिंग को उखाड़ फेंक दिया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस के और भी ज्यादा संख्या में तैनाती की गई है और यहां पर पहले से ही काफी यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीआरपीएफ बल को भी यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पूरी नजर रखी जा रही है। आपको बता दें कि किसान रैली के तहत यहाँ पर आज किसान दिल्ली बॉर्डर पर कूच कर रहे हैं, दिल्ली में प्रवेश ना कर सके, इसके लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए बन गई है और यहाँ पर दिल्ली पुलिस पूरे हाई अलर्ट मोड पर नजर आ रही है, जहां चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। सिंधु बॉर्डर की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से ड्रोन कैमरों से भी नजर रखी जा रही है और साथ ही पुलिस बल और सीआरपीएफ भी तैयार है।
और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी मिताली हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी मिताली, आपसे जानेंगे जिस तरह से एक तरफ किसान यहाँ पर दिल्ली बॉर्डर पर कूच करने की पूरी कोशिश में है, कुछ देर में किसान पहुंच जाएंगे और इसी को देखते हुए हाई अलर्ट पर दिल्ली पुलिस नजर आ रही है, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। बॉर्डर की अगर हम बात करें, किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि संगू बॉर्डर के पास जो है भारी मात्रा में जो है पुलिस बल तैनात था, वहीं जो है मजनू टीला गुरुद्वारा जो है उसके पास भी जो है भारी पुलिस दल जो है वहां पर मौजूद था। तो दिल्ली के जितने भी तमाम है, गुड़गांव साइड के भी जो गए हैं, लेकिन आपको बताना चाहूंगी कि जो मजनू के टीले का गुरुद्वारे का जो इलाका है वहां पर जो है लोगों ने गुरुद्वारे की बैक साइड से चुपचाप से एंट्री करी है। तो 20-25 लोगों ने अपना धरना प्रदर्शन शुरू भी किया था, लेकिन वहां पर पुलिस ने उनकी जो है उन्हें अपनी हिरासत में लिया और उन्हें मोरस नगर थाने में लेकर गई। इस वक्त हम लोग जनता मंत्र पर मौजूद है, यहाँ पर भी जो है लोगों ने प्रोटेस्ट किया, अपनी मांगे लगी, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी करी। ये सब देखते हुए पुलिस ने इनको भी जो है अपनी हिरासत में लेते हुए बस में डाल के इनको भी थाने लेकर गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग जो है रोके नहीं रुक रहे हैं, फिर भी वो धीरे 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 एकत्रित होते हैं, लेकिन एक चीज देखने को मिली है कि पुलिस बल जो है वो मुस्तैदी से तैनात है और जरा सा भी शोरगुल हो रहा है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है। जी जी बिल्कुल मिताली, और वही 3 दिसंबर को केंद्र सरकार की तरफ से किसान महासंगठन का नेतृत्व करने वाले सभी प्रतिनिधि मंडल से बातचीत भी की जाएगी, और ऐसे में उसके ठीक पहले जिस तरह से किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं, क्या कुछ इनकी मांगे हैं और यहाँ पर प्रशासन का क्या कुछ कहना है? देखिए, अगर हम बात करें किसानों की तो वो जो है इस बिल से बिल्कुल भी खुश नहीं है और उनका यही कहना है कि केंद्र सरकार जो है अपनी जो इन्होंने किसानों के विरोध में, उनको लगता है किसानों के विरोध में जो बिल लेकर आई है उसको वापस ले, लेकिन वहीं केंद्र सरकार जो है अपनी बात पर अडिग है, शासन प्रशासन जो है मुस्तैदी से कायम है, लेकिन वहीं जो है किसान जो यूनियन के लोग हैं, किसान हैं, वो भी अपनी जो है मांगों पर अडिग है। तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए वार्तालाप का दौर जो है चल रहा है और सूत्रों के हवाले से हमें ये भी बात पता चल रही है कि आने वाले दिनों में बैठकें भी होंगी, जिस पर अभी प्रधानमंत्री के पास भी जो है सारी रिपोर्ट्स जाएंगी, तो उसके बाद अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में इस चीज पर किस तरीके से फैसला लिया जाता है, क्या निर्णय लिया जाता है। लेकिन अहम बात यह है कि आज दिल्ली में जो है धरना प्रदर्शन होने से रोका गया, जहां पर छुटपुट जगह पर ये ऐसी चीज जो है देखने को मिली तो उस पर तत्काल शासन प्रशासन ने जो है कार्रवाई करी है। बॉर्डर एरिया पे एक दो जगह ऐसा भी देखने को मिला है कि जहां पर बैरिकेडिंग्स वगैरह जो है वो फेंक दी गई थी किसानों के द्वारा, तो वहां पर भी स्थिति को जो है काफी कंट्रोल में लाया गया है और जगह जगह पर जो है आपका वाटर कैनन जो है वो मौजूद है। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बैरिकेटिंग है, रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो तैनात है, इसकी जो दूसरी तरफ भी है पूरा का पूरा एरिया ब्लॉक कर रखा है। इस वक्त मेरे साथ एक शख्स मौजूद है जो इस आंदोलन का हिस्सा है, आइए हम उनसे ही सीधे बात करते हैं। आपसे जानना चाहूंगी कि सरकार जो है वो अपनी जो उनका फैसला है उस पर अडिग है, किसान भी जो है एक तरह से अपनी बात पर अडिग है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है, ये प्रोटेस्ट आखिर किस तरीके से कब तक चलेगा? देखिए मैम, ये प्रोटेस्ट आज कह लीजिए किसानों के लिए करो या मरो की स्थिति में चल रहा है। किसान जो हरियाणा और पंजाब से चले हैं वो एक ट्रैक्टर में 2 ट्राली लेके चल रहे हैं, एक ट्राली में वो अपना सामान रखे हुए हैं और एक ट्राली में खुद चल रहे हैं। जहाँ पर उनको रोका जा रहा है वहीं पर वो लोग लंगर डाल दे रहे हैं, वहीं पे अपना खाना पीना कर रहा है, वहीं पे प्रोटेस्ट जारी कर रहे हैं। तो आखिर क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? जी, हम लोगों की मेन मांग ये है कि सरकार जो कृषि को कमर्शियलाइजेशन करने के नाम पे जो किसानों के साथ ठगी कर रही है उसी को वापस ले, बस कुछ नहीं करना है। प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि हम MSP नहीं हटाएंगे। किसान कह रहे हैं जिस जो आप कानून बनाए हैं उसी कानून में बस एक लाइन नीचे लिख दीजिए कि MSP जारी रहेगी, मौखिक मत दीजिए, वही वो लिखित चाहते हैं और कुछ नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है, हमारी और भी किसानों से बात हुई है तो उनका यही कहना था कि जब कोविड का दौर शुरू हुआ था तो ऐसे दौर में जो बैकबोन बनकर साबित हुआ था देश की, वो कृषि विभाग की तरफ से ही था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो अर्थव्यवस्था डगमगा रही थी वो कंट्रोल में आई थी। लेकिन अब इस तरीके के बिल पास हो रहे हैं तो उनको यही है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो अपनी तरफ से जो है प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत की बात यह है कि महामारी का दौर चल रहा है, ऐसे में इतने सारे ग्रुप में इकट्ठे होकर इस तरीके से प्रोटेस्ट करना ये भी एक बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। बिल्कुल मिताली, बिल्कुल मिताली, क्योंकि दिल्ली यहाँ पर दोहरी मार झेल रही है, ऐसे में दिल्ली प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि एक तरफ कोरोना की मार झेल रही है और ऐसे में जब एक साथ तमाम किसान यहाँ पर इकट्ठा होंगे दिल्ली में कूच करेंगे तो ये बहुत बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।